दिल्ली चलो किसान आंदोलन में आज फिर एक किसान नौजवान की मोदी सरकार के जरिए तैनात की गई पुलिस के जुल्म और बर्बरियत के चलते मौत हो गई है। शुभकरण सिंह नामी 22 साल नौजवान किसान मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में मारा गया है। सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि फार्मर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर किसानों के साथ बातचीत करने का न्योता दिया है और उसके बाद भी पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले फेंक कर किसानों को उकसाने की कोशिश कर रही है। किसानों को रोकने के लिए मोदी सरकार के जरिए दिल्ली बॉर्डर पर तैनात की गई पुलिस किसानों के साथ आतंकवादियों से बदतर सलूक कर रही है। किसानों की मांग बस इतनी है कि सेंट्रल मिनिस्टर कम से कम ट्वीट कर इतना बता दे कि MSP का मसला हल किया जाएगा। किसान मोदी सरकार के साथ बात करना चाहते हैं पर किसानों को रोकने के लिए लगातार आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। पिछले साल भी किसान इसी तरह आंदोलन कर रहे थे पर उन्हें झूठी तसल्ली देकर आंदोलन रोका गया था, पर इस बार किसान लिखत में मोदी सरकार से MSP के मसले को हल करने की गारंटी मांग रहे हैं। किसानों पर जुल्म की हद तो यह है कि यहां ड्रोन के जरिए भी आंसू गैस फेंके जा रहे हैं। किसान नेताओं ने मीडिया के जरिए इस मामले पर बात कर कहा जानबूझकर किसानों पर जुल्म किया जा रहा है ताकि नौजवान किसान गुस्से में कोई गलत हरकत कर दें और किसानों को बदनाम किया जा सके, पर इस बार किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं, ये ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे किसानों को बदनाम किया जाएगा। आंसू गैस और दीगर कई मुख्तलिफ तरीकों से किसानों पर जुल्म हो रहा है। इस मामले पर किसान नेता ने मीडिया से बात कर क्या कहा, आइए जानते हैं। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girls at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details. जिस बर्बरता से ये दोनों बॉर्डरों के ऊपर खनौरी और शंभू के ऊपर सरकार ने टीयर गैस और हाई एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए उसकी निंदा करनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और तीन और गंभीर जख्मी हैं जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा हैं। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है और एक बुजुर्ग को जो हरियाणा का था बोरी में डालकर उनके लात पांव तोड़कर उनको खेतों में फेंका गया है और पूरी बर्बरता से कार्रवाई की है। आप शंभू पर सभी प्रेस वाले थे, यहाँ कभी भी वायलेंस नहीं हुआ, हमारे जुआ बिल्कुल पीसफुल रहे। हमने सुबह निर्णय कर लिया था कि जो बड़े लीडर हैं वो आगे जाएंगे और किसी जुआ को हम आगे नहीं जाने देंगे क्योंकि किसी जुआ की हम मौत नहीं चाहते आगुओं को। और उसके बाद जब हमसे सरकार ने वार्ता की और वार्ता में मसला क्या था, हम बोल रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ट्वीट करे कि MSP खरीद की गारंटी का कानून का मसला हल करने के लिए। तो आज जो हमारे धरने में कुछ सरकार द्वारा एजेंसियों द्वारा शरारती तत्व घुसाने की कोशिश की जा रही है, तो जिन्होंने कुछ प्रेस के तारे काट दी उनकी ओपी बहने इधर से निकाल दी, इसका हमें खेद है। हम प्रेस को यकीन दवाएंगे कि हम अधिक से अधिक वॉलंटियर आगे से लगा के रखेंगे। आज ज्यादा व्यस्त होने के कारण जो इस तरह की व्यवस्था आपके सामने आई है, जो हमने निर्णय लिया था कि लोगों को आगे नहीं जाने देंगे, लीडर आगे जाएंगे, आपने देखा भी हम आगे गए हैं और यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल कंट्रोल में। और हमारे ऊपर जब ऐसे करके जा रहे थे भाई आगे, हमारे ऊपर भी शेलिंग की गई है। तो सरकार की नीयत सबके सामने है कि पीसफुल ढंग से पुरामन ढंग से आगे बढ़ने भी वो लोग नहीं देंगे। अभी दिल्ली जाने का कार्यक्रम हमारा है 2 दिन की, कल और परसों। ये जो खनौरी में जो कुछ भी घटा है उसके ऊपर सारी समीक्षा करेंगे, जिस तरह से सरकार हमारे ऊपर बुलेट चला रही है, सभी नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे परसों शाम को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे आगे का आंदोलन किस। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girls at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.